चलिए तो देखिए इसको हमने, मैं जो आपसे बोल रहा था कि टिफिन के डिब्बे को ले करके मैंने इसको बीच में पार्ट में काट दिया है, तो ये दो डिश ये बन गए। बोलो हाँ या ना। अब देखो आपको बेटा पता है कि चालक के अंदर किसी भी प्रकार का विद्युत क्षेत्र होता नहीं है। चालक के अंदर का विद्युत क्षेत्र कितना होता है? तो यहाँ भी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, यहाँ भी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, मगर यहाँ पर मैंने लंबवत चुंबकीय क्षेत्र पूरे में लगा रखा, वो वाला यहाँ वाला दिख रहा है हाँ है ना। अब ये लंबवत चुंबकीय क्षेत्र पूरे में लगा हुआ है। अब जैसे मैंने यहाँ से पार्टिकल एक धनावेश छोड़ा हाँ है ना, सुन रहे हो, देख भी रहे हो, ये देखो धनावेश मैंने यहाँ से छोड़ा और मैंने यहाँ पे सप्लाई लगा रखी है। सप्लाई यहाँ पे कैसी लगा रखी है मैंने, अल्टरनेटिंग, कौन सी मतलब प्रत्यावर्ती, मतलब कैसी प्रत्यावर्ती। तो पहले चक्र में ये है माइनस और ये है, तो ये धनावेश है, बोलो हाँ। ये क्या, कौन सी प्लेट है ये, माइनस को देख के लपालप लालच खाएगा नहीं खाएगा, इसकी तरफ जाएगा नहीं जाएगा। अब जैसे जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र में कौन सी गति होगी, वृत्तीय गति, कौन सी गति होगी, ये वृत्तीय गति करके अपना एक फिक्स रेडियस का चक्कर लगाएगा, बोलो हाँ। अब जैसे बाहर निकला तो चुंबकीय क्षेत्र तो है, मगर साथ में मैंने यहाँ पर लगा रखा है विद्युत क्षेत्र, क्या लगा रखा है, ये प्लस और ये, तो विद्युत क्षेत्र इसको मिलेगा, अंदर नहीं मिल रहा था, मगर जैसे ही बाहर निकलेगा तो विद्युत क्षेत्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा, विद्युत क्षेत्र मिलेगा तो क्या लगेगा, विद्युत बल, एफ बराबर कितना, क्यू ई। जैसे बल मिलेगा तो जैसे ही बाहर निकलो जुई भड़ाक से धक्का लगेगा, नहीं लगेगा झटका लगेगा, मतलब ये जिस वेग से आ रहा था इसको और ज़्यादा वेग मिल जाएगा हाँ है ना, क्योंकि झटका लग गया कि नहीं लग गया। वो जो बच्चे झुलाते हैं पार्क वगैरह में देखे होंगे, मामू झुलाता है प्रदर्शनी वगैरह में, ऐसे बच्चा आराम से घूल करके आता है, फिर वो एक लपटा मारता है झूले में, वो तेज हो जाता है हाँ है ना, फिर घूम के आता है फिर मारता है तो तेज होता जाता है हाँ है ना। और कोई शरारती बच्चा हो तो इतना जोर का मार दे दो चार गिरा ही देता है। तो मतलब जब जब वो बाहर, जब जब वो मामू के हाथ के पास में वो आता है बच्चा, तो उसके पीठ में वो जो टोकरी बनी रहती है उस पर धक्का मारता है हाँ है ना। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन बाहर निकलेगा सटाक से, यहाँ पर क्या मिलेगा इसको, विद्युत क्षेत्र, क्या मिलेगा, विद्युत क्षेत्र। अब जैसे ये माइनस था ये प्लस था, बोलो हाँ, विद्युत क्षेत्र लगा है। अब जैसे आधा चक्कर पूरा होकर के बाहर आया, साइकिल चेंज हो गई प्रत्यावर्ती धारा की, माइनस वाला हो गया प्लस और प्लस वाला हो गया, तो ये माइनस देख करके लालच खाएगा नहीं खाएगा, तो और जल्दी जोर से भागेगा, बोलो हाँ। तो क्या हो गया, गति बढ़ गई घट गई, गति क्या हो गई, गति बढ़ गई, भी बढ़ने से त्रिज्या भी क्या हो गई, मतलब पहले जो त्रिज्या छोटी थी अब थोड़ी सी क्या हो गई, बढ़ गई। फिर अंदर चलेगा उसी तेज वेग से आराम आराम से हाँ है ना। फिर जैसे ही आएगा फिर झटका खाएगा नहीं खाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा फिर माइनस और ये हो जाएगा, फिर से लालच आया, आया कि नहीं आया। अरे कहाँ प्रतिकर्षित होगा, सुनो ये माइनस है, ये माइनस है और ये क्या है, और कण क्या है, धनावेश, कण क्या है, पहली लाइन ही मैंने बता दिया था धनावेश। अरे अंदर विद्युत क्षेत्र काम नहीं करता, ये भी तो जानते हो, तो हाँ लगेगा ना, तो प्लस पे क्या लगेगा, माइनस या प्लस, हाँ तो माइनस क्या करेगा उसको, आकर्षित करा, ये बहुत जोर से आकर्षित हुआ, बोलो हाँ, त्रिज्या बढ़ गई, बोलो चुंबकीय, अरे विद्युत क्षेत्र लगा, त्रिज्या बढ़ गई, बल बढ़ गया, वेग बढ़ गया, त्रिज्या बढ़ने से नई वाली रेडियस से गति करा, बोलो हाँ। अब यहाँ फिर से विद्युत क्षेत्र बदल गया, बोलो हाँ, हाँ ये हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, माइनस। जैसे माइनस हुआ फिर से लालच शुरू, फिर से झटका खाएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगी, सटाक से घूमेगा ऐसे, जुई 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 बूम, लो समझ में आया, आ गया समझ में। तो एक इसकी गति को सफिशियंटली आप बढ़ा दोगे और फाइनली ये आ करके जैसे अपनी बहुत बढ़िया वाली गति धारण कर लेगा, तो यहाँ पर एक विंडो हुआ करती है, इस विंडो को ओपन कर देंगे और ये कण निकल जाएगा, समझ गया ना। कल मैंने यूट्यूब का वर्क क्या दिया था कल तुम लोग को, वो तो परसों का था, कल क्या दिया था, कल कुछ नहीं दिया, अच्छा कल नाइन्थ वालों को बैच दिया है। चलो आज का वर्क लिखो, क्वेश्चन लिखो, यूट्यूब वर्क जो देखा करो ग्रुप में डाला करो ना, क्यों नहीं डालते हो ग्रुप में, हैं फोटो वोटो लेके स्क्रीनशॉट डाल लिया करो, स्टेटस बना लिया करो, है ना, आग लगेगी, बच्चे पढ़ रहे हैं। चलो
और क्या डालना चाहिए यार, ये दौर है दिखाने का, अगर नहीं दिखाओगे तो है ना, मार्केट में क्या जो दिखता वो बिकता है, है। चलो नहीं खामोश काम नहीं चलता, अब नहीं काम, अब गया खामोशी वाला दौर, अब गया खामोशी वाला दौर, क्योंकि हाँ तो मेहनत साइलेंटली करोगे, मगर क्या है अगर दिखाओगे तो उस वैरायटी के लोग आपको घेरेंगे, तो जिससे ज्ञान का अर्जन होगा, उपार्जन होगा, ठीक है ना। अब तुम लिख दोगे स्टेटस में फीलिंग लोनली है ना, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। चलो तो दो चार चीज़ें बता दी, अपना भी ज्ञानार्जन हो गया, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो समझ में आई बता दिया, अब पूरा सिलेबस तो आपके कंट्रोल में नहीं है, लिखो। तो भैया ये समझ में आ गया कि नहीं आया, तो इस तरीके से गतिज ऊर्जा को बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक एक्वायर करके हम विंडो को ओपन कर देंगे। तो ये है साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत, चुंबकीय क्षेत्र क्या देगा, वृत्ताकार पथ, बोलो हाँ या ना, और विद्युत क्षेत्र क्या देगा, मामू का थप्पड़ जो उसके वेग को बढ़ाएगा। आ गया समझ में ना, चलिए तो लिखो। हाँ बोलो, हाँ हाँ अट्रैक्ट करेगा बिल्कुल, हाँ नहीं बदल गया ना, वो निकलते ही अल्टरनेटिंग है ना, अल्टरनेटिंग है, अल्टरनेटिंग है, बदला है। अरे तो वही तो विद्युत क्षेत्र है भाई मेरे, वही तो विद्युत क्षेत्र है, प्लस और माइनस, इसको नहीं लगाना था, हाँ ये मिस्टेक हो गई मुझसे, सही कह रहे हो, सॉरी, ये विद्युत क्षेत्र यही है, समझ गए ना, ये गलत लगा दिया था मैंने, सॉरी बच्चों, डेड बॉल, ठीक ना। यहाँ जो है ये प्लस और माइनस, यही विद्युत क्षेत्र का काम करेगा, ठीक है ना, ऐसा कोई विद्युत क्षेत्र बाजू में नहीं लगेगा, वो मैंने समझाने के लिए बताया था कि अगर विद्युत क्षेत्र चलेगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में धनावेश क्या होता जाता है, तो धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा ही में जाएगा, तो जब ये माइनस है ये प्लस है तो ये इसकी तरफ आकर्षित होगा, और जब ये प्लस है ये माइनस है तो इसकी तरफ आकर्षित होगा, तो जैसे ही उसको झटका लगेगा उसकी वेग बढ़ जाएगा, वेग बढ़ जाएगा तो त्रिज्या बढ़ जाएगी। चलो देखो सिद्धांत लिखो, होमवर्क यूट्यूब का लिखो, साइक्लोट्रॉन देख करके आना, पढ़ के आना, साइक्लोट्रॉन की वर्किंग देख करके आना, साइक्लोट्रॉन की वर्किंग देख लिया, पढ़ लिया, शेयर भी कर दिया ग्रुप में, जितने ग्रुप में जुड़े हुए हो, है ना, कि साइक्लोट्रॉन ऐसे काम करता है ना। चलो लिखो, साइक्लोट्रॉन इस तथ्य पर आधारित है, साइक्लोट्रॉन इस तथ्य पर आधारित है, हाँ साइक्लोट्रॉन इस तथ्य पर आधारित है कि जब एक आवेशित कण, जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है तो यह वृत्तीय गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करेगा तो कैसी गति होगी, वृत्तीय गति, सीख चुके हो ना, तो यह वृत्तीय गति करता है तथा लगाए गए विद्युत क्षेत्र के द्वारा, लगाए गए विद्युत क्षेत्र के द्वारा यह लगातार त्वरित होता जाता है, लगाए गए विद्युत क्षेत्र के द्वारा। साइक्लोट्रॉन इस तथ्य पर आधारित है कि जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा लगातार त्वरित होता है होता है, विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, त्वरित करेगा, है ना, तो बढ़ती हुई त्रिज्या के सर्पिलाकार पथ का अनुसरण करता है,
सर्पिलाकार पथ का अनुसरण करता है। तथा उसकी चाल लगातार बढ़ती चली जाती है। तथा उसकी चाल लगातार बढ़ती चली जाती है। ठीक है, यस, ये इसका सिद्धांत है, ये इसका सिद्धांत है। अब आइए देखते हैं इसके फॉर्मूले डेरिवेशन। इसकी चाल लगातार बढ़ती चली जाएगी और इसकी चाल को एक हम ऑप्टिमम लेवल, एक जहाँ तक हमारा ज़रूरत है उस ज़रूरत के लेवल को बढ़ा करके फिर हम विंडो ओपन कर देंगे, खिड़की ओपन कर देंगे, तो इसकी चाल का इस्तेमाल हम किसी दूसरे काम में कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसका सिद्धांत देखिए। तो इन लोगों ने पहले त्रिज्या नहीं पूछी है, त्रिज्या नहीं पूछी है, तो त्रिज्या नहीं पूछी, सीधे आवर्तकाल पूछा। क्या पूछा है? आवर्तकाल। आवर्तकाल कितना होगा? तो पहला हम आवर्तकाल निकाल रहे हैं, हालांकि त्रिज्या मैंने पहले निकलवा दी है। अगर जिनको त्रिज्या का डेरिवेशन लिखना हो लिख लो, एक बार जल्दी से लिख लो, बादल बना करके लिख लो, पहले भी लिखवा चुका हूं। ठीक है, आ गया समझ में, लिख लिया। तो ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये क्या हो गई? इसकी त्रिज्या। ठीक है, अब लिखो आवर्तकाल। हाँ भाई साहब, आवर्तकाल, आवर्तकाल देखिए, टी बराबर आवर्तकाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होती है और चाल कितनी है? और आर हमने निकाल रखा है, एम वी अपॉन क्यू वी, हाँ है ना? तो टी इक्वल टू टू पाई आर की जगह एम वी अपॉन कितना? क्यू वी, और साथ में कितना है? वी से वी क्या हो गया? टी इक्वल टू कितना? टू पाई एम अपॉन कितना? नोट कर लो, ठीक है बच्चों? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ये आ गया इसका आवर्तकाल। एक पूरे चक्कर का आवर्तकाल है और एक पूरे चक्कर में एक डी ये है, एक डी ये है, तो जब दोनों डी को मिला करके बन रहा है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, तो आधी डी के लिए, आधे चक्कर के लिए बोलो आवर्तकाल क्या होगा? टी बाई टू बराबर टू का भाग दे दो, बोलो कितना होगा? पाई एम अपॉन, होगा कि नहीं होगा? तो अगर सवाल में पूछ लिया जाए आधे चक्कर के लिए, केवल एक डी कंप्लीट करने के लिए कितना होगा? पाई एम अपॉन, और दो डी के लिए दो गुना कर दो, हाँ या ना? आपकी बुक में आधे डी का भी पूछा गया है, पूरे डी का भी बता दिया, आधे का भी बता दिया, बोलो कोई समस्या है क्या? चलो आवर्तकाल के बाद आवृत्ति, रटे बैठे हो, आवृत्ति बराबर एक बटे आवर्तकाल, हाँ या ना? पलटी मार दो, क्या तो कितना आएगा? क्यू बी अपॉन टू पाई एम, पहले भी करा रखा है क्यू बी अपॉन टू पाई एम। ठीक है, लिखो कण द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा, कण द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा, कण द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा, हाँ भाई, कण द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ या ना? हाफ एम, एम की जगह एम, v की वैल्यू कितनी होती है बेटा? देखो qb अपॉन, अगर यहां से आप v निकालोगे तो कितना आएगा बोलो v की वैल्यू? qb r अपॉन m, qrb अपॉन m, आएगा नहीं आएगा बोलो? का होल स्क्वायर कर दो तो हाफ m
क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम का होल स्क्वायर, एम से एम आंसर आ गया 1/2 क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन कितना एम। देखो बेटा ये आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। अधिकतम काइनेटिक एनर्जी कब प्राप्त होगी बच्चों? अधिकतम काइनेटिक एनर्जी तब प्राप्त होगी जब ये प्रोटॉन अनुसरण करते हुए करते 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 एकदम कोने पे पहुंच जाए। बोलो हाँ या ना? मतलब उस समय जो स्मॉल आर है वो काय के बराबर बन जाए? कैपिटल आर के, अधिकतम त्रिज्या के। हाँ या ना भैया? अधिकतम त्रिज्या पूरा लास्ट तक पहुंच जाएगा तो एनर्जी एक्सिमम हो जाएगी ना। तो अधिकतम काइनेटिक एनर्जी के लिए स्मॉल आर काय के इक्वल होगा कैपिटल आर के। तो लो भैया एनर्जी लिख लो, हाफ क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन कितना एम। ठीक है, आ गया समझ में कि नहीं आया? E प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। ऊर्जा जो होती है समानुपाती होती है R स्क्वायर के। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये साइक्लोट्रॉन है, बहुत बार एग्जाम में आया है इसका सिद्धांत लिखने को। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए साइक्लोट्रॉन का सैद्धांतिक चित्र बनाइए, साइक्लोट्रॉन का सैद्धांतिक चित्र बनाइए तथा इसकी क्रियाविधि एवं सीमाएं लिखो, तथा इसकी क्रियाविधि एवं सीमाएं लिखो। तो साइक्लोट्रॉन का सैद्धांतिक चित्र बना करके इसकी क्रियाविधि और सीमाएं बताना है। तथा इसकी क्रियाविधि एवं सीमाएं लिखो। बच्चों देखो साइक्लोट्रॉन का सैद्धांतिक चित्र, बेटा इसमें क्या होता है? एक ऊपर सवाल लिख लिया, साइक्लोट्रॉन का सैद्धांतिक चित्र बनाना है, क्रियाविधि सीमाएं, सीमाएं मतलब कहां तक ये काम करेगा, है ना, लिमिट्स। देखो बेटा मान लो आपके सामने ये साइक्लोट्रॉन, इतने में साइक्लोट्रॉन रखा हुआ है, टिफिन का डिब्बा, रोटी रखने वाले टिफिन आती ना उसका डिब्बा रखा हुआ है जिसमें रोटी रख करके रात को रख देते हैं अपन, ये टिफिन का डिब्बा रखा हुआ है। ठीक, उसके ऊपर लगा है नॉर्थ पोल और नीचे क्या लगा है? तो ये लगा है नॉर्थ, ये लगा है साउथ। बोलो हाँ, चुंबकीय क्षेत्र कैसा जाएगा? सुई सुई सुई। हाँ या ना? समझ में आ गया डायग्राम? और कचौड़ा करूँ कि आ गया समझ में? कर लेना, नॉर्थ साउथ बनाने की जरूरत तो नहीं ना, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ क्षेत्र लग रहा है, बस एक काफ़ी है, पूरे में लग रहा है। हाँ बेटा, अब इसके सामने वो रखा है वो आपका टिफिन का डिब्बा। बोलो हाँ या ना? कैसा रखा है? 3D में। कैसा रखा है? 3D में। समझ गए किस तरीके से रखा होगा? देखो हाँ, अरे ये नॉर्थ, ये नॉर्थ प्लेट। बोलो हाँ। और ये क्या? अब बीच में डिब्बा रख दो, बीच में क्या रख दो? डिब्बा रख दो, तभी तो क्षेत्र लंबत घुसेगा। बीच में डिब्बा रख दिया, अब वो 3D है पूरा का पूरा। समझ गए? तो समझना, अब बीच में डिब्बा तो रखा हुआ है और डिब्बे में डीज हैं, बस ये 3D व्यू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिख जाए कि हाँ ऐसा रखा हुआ, रखा है ऊपर से चुंबकीय क्षेत्र लप लप आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लगाएंगे अपन फ्रिक्वेंसी चेंज करने के लिए अल्टरनेटिंग सोर्स,
ये लो जनाब, ये क्या है? प्रत्यावर्ती स्रोत, प्रत्यावर्ती, पहले प्लस, फिर ये माइनस, तो ये वही चेंज होता रहेगा, प्रत्यावर्ती धारा है। बोलो हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले जो है ये वाला प्लस, फर्स्ट साइकिल में देखो टक 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 टक, ये प्लस, तो ये भी क्या और ये क्या, छोड़ दिया इधर से, किसको? प्रोटॉन को, हाँ है ना? प्लस प्लस को क्या मारेगा? धक्का। और माइनस क्या करेगा? बुलाएगा, हाँ है ना? चलेगा, ठीक है ना? अब ये चलना शुरू हुआ, जुई धुम धुम धुम, लाख बाहर निकल गया। आई बस समझ में ना? बस ये बन गया अपना साइक्लोट्रॉन, इतनी सी वर्किंग होती है इसमें, क्लियर हो गया। और यहाँ पर मैंने इस तरफ बना रखी विंडो, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में भाई साहब? लक्ष्य, लक्ष्य यहाँ है, इससे बाहर निकलेगा, ये है लक्ष्य, इंग्लिश में बोलते हैं टारगेट। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कुछ नहीं, क्यों लगेंगे? अंदर किसी भी प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र डी, कोई कोई बाहर है, वो एकदम बाहर है, क्षेत्र है ही नहीं वहां पे बेटा, यहाँ डी, अच्छा बीच में बोलो, हाँ मेरे को लगा इसके बाहर बोल रहे हो। दोनों बल लगेंगे, चुंबकीय और, हाँ हाँ हाँ, नहीं होगा। एक बात बताओ, तुम कंफ्यूज हो गए, क्षेत्र होता है, बोलो हाँ, प्लस और वो पूरा ई होता है, समझ गए? वो पूरा ई होता है, जैसे मैं तुमको धक्का दे रहा हूँ पाँच से, मैं तुमको धक्का दे रहा हूँ पाँच से, तुमको पकड़ करके मैं पाँच से धक्का दे रहा हूँ, तो मेरे बल का प्रभाव एक बार लेते हो कि दो बार लेते हो? एक बार ही लेता हूँ। दो लोग अगर अलग अलग खींचेंगे तब, तो वो कन्फ्यूज हो गए आप, एफ इक्वल टू क्या होता है? सिंपल, क्यू ई। तो बस एक ही बार का बल लगेगा उस पर, क्यू ई। आई बात समझ में ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो ये हो गई आपकी पूरी वर्किंग, इसकी डायग्राम हो गया। एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ, ये लक्ष्य हो गया है, उच्च आवृत्ति दोलित्र, इसको बोलते हैं उच्च आवृत्ति दोलित्र। दोलित्र मतलब जो दोलन करे, और दोलन काय का हो रहा, प्लस का माइनस का, विद्युत क्षेत्र का दोलन हो रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको दोलित्र। क्या बोलते हैं? दोलित्र। लक्ष्य हो गया, सब कुछ हो गया। अब एक काम करो, पहले डायग्राम देख लो, हाँ बोल लो कि सर समझ में आ गया, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग देख लो डायग्राम, देख लो देख लो देख लो, यस हाँ, ऑब्वियसली बेटा चुंबकीय क्षेत्र, ऊपर चुंबक लगा हुआ है ना, तभी तो चुंबकीय क्षेत्र दिखेगा। नॉर्थ के बल रेखाएं साउथ की तरफ चलेंगी, नहीं चलेंगी? दो अलग अलग है भाई साहब, पीछे से कनेक्शन है इसका, ये पीछे से कनेक्ट है, जो होता है ये नाल चुंबक इस तरीके से, हाँ या ना? एक नॉर्थ होता है और एक, इसके बीच में पूरा सेटअप जमा रखा है, समझ में आया? बट हमको मतलब केवल इससे है। तो वो चुंबक की कैसी व्यवस्था, वो कंपनी वाले जाने, अपन का केवल काम ये है कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक में फील्ड जा रहा है। अब एक बार डायग्राम देख लो सब लोग, फिर बताओ मुझे, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ हाँ हाँ, अंदर रोटी रखते हैं, यहाँ अंदर रहेगा ना, तभी तो चुंबकीय विद्युत क्षेत्र जीरो रहेगा, क्योंकि धातु के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? जीरो। हाँ हाँ, डायग्राम देख लो बेटा, जल्दी से देखो डायग्राम, क्लियर है एकदम? बस मस्त बना देना डायग्राम, पाँच नंबर का आता है, छाप के आना, बढ़िया नंबर मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं जाएगा? अंदर ही तो पूरी मूविंग होगी। हाँ तो चालक का है, तो इधर से खुला हुआ है ना, इधर से खुला हुआ है ना, ऐसा है, बीच में कटा हुआ है, टिफिन काटोगे तो बीच में तो खुला रहेगा यहां से, तभी तो प्रोटॉन घुसेगा, है ना बेटा? यस और नो? तभी भाई आप टिफिन ले लो, और टिफिन को आप आरी ब्लेड से बीच से काट दो, तो जहां रोटी रखते हो तो वहां तो प्लेस खाली रहेगा ना, ये नहीं रहेगा? हाँ, दो टुकड़ों में, समझ गए ना? बस थोड़ी सी हल्की सी जगह बस बीच में है हवा के बराबर, जिससे विद्युत क्षेत्र लग जाए, क्योंकि अगर पूरा टिपिन लगा देते तो गोल गोल तो घूमता मगर विद्युत क्षेत्र नहीं लगता, हाँ या ना? तो मामू का धक्का नहीं लगता उसका, तो वो धक्का लगने के लिए विद्युत क्षेत्र का क्या, हल्की सी जगह खोल रखी है। सर, जो जगह खोली जाए, हाँ तो जो ये
लक्ष्य टारगेट के लिए एक खिड़की वाली रहती है। हाँ 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 चुंबकीय क्षेत्र के कारण ऐसा होता होगा कभी कि ये जहां से कटता है वहीं से निकल जाता है। नहीं निकल सकता है क्योंकि वो ऊर्ध्वाधर क्षैतिज तल में गति करता है। किस तल में गति करता है? और वो ऐसे कटा हुआ है तो ऐसे थोड़ी ना कि ऐसे आएगा फिर ऐसे घुस जाएगा, उसको तो दिशा अपनी ये पता है ना। चलो हो गया।